उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्ना के बाद पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और इसको लेकर अब वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के एक इंटरव्यू का हवाला देकर हमला बोला और पाकिस्तान को दुश्मन नंबर वन बताया। बीजेपी ने अखिलेश को पाकिस्तान प्रेमी करार दिया। अब समाजवादी पार्टी पलटवार कर रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी नफरत की राजनीति के भरोसे है। अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में भिक्षण फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जागरूक है, वो विकास के नाम पे वोट करेगी। वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।